महोदय, हमारे देश में राजनीतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनजर यह एक असाधारण बात है, जबकि इनमें से ज्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है विराम। चुनावों में झटकों और यदा कदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक विराम, आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। पूर्ण विराम, बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लड़ाई ने ले ली है। पूर्ण विराम, उस प्रदेश की जनता के लिए या दूसरी आजादी से कुछ कम नहीं है। पूर्ण विराम, असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं। विराम, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं है। विराम, ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई है उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पूर्ण विराम, पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। पूर्ण विराम, इस काम में महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। पूर्ण विराम, यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। पूर्ण विराम, इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। पूर्ण विराम, पैरा हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम, भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, न कि सांप्रदायिक भावनाएं। पूर्ण विराम, हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। पूर्ण विराम, इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामले में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। विराम, इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक है। विराम, चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं, भारत चीन संबंध फिर कायम हो गए हैं। पूर्ण विराम, इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी है। पूर्ण विराम, अमेरिका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं, समर्पण की बात तो दूर है। पूर्ण विराम, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों
के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। पूर्ण विराम। इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना विराम, जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। पूर्ण विराम। गुट निरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। पूर्ण विराम। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक वाक्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। पूर्ण विराम। पैरा समाप्त।